साथ जनरल टाइम सच के साथ एक कदम। आज जशवंतनगर में आलोक यादव जो विधायक की रेस में या यूं कहीं दौड़ में शामिल थे, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कांग्रेस में अपने दावेदारी की थी, आइए उनसे मिलते हैं। महासचिव हूँ कांग्रेस कमेटी इटावा से, पूर्व में शासन अध्यक्ष भी रहा हूँ के डिग्री कॉलेज से 2007। सर आपके साथ में अभी कौन कौन है? मेरे साथ में जिले के उपाध्यक्ष श्री आर बी सिंह पाल जी हैं, मेरे साथ में हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष लालमन बाथम जी हैं, यूथ कांग्रेस से अमन यादव जी हैं और गोविंद सिंह राजावत जी हमारे साथ में हैं। बताइए आप कांग्रेस के जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं और आपने पार्टी से अपने चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी मांग की थी जी, जबकि कोई अभी आदेश नहीं आया, तो अगर आदेश नहीं आया और आपको टिकट नहीं मिला तो आपकी रणनीति आगे क्या रहेगी? देखिए आदेश आने वाली बात तो ये है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और पार्टी ने अभी तक तो कोई प्रत्याशी नहीं दिया, तो ये बात सीधी जाहिर होती है कि पार्टी अब यहाँ से प्रत्याशी नहीं देगी। और रही आगे अब बात की, मैं पार्टी के फैसले का सम्मान करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोगों ने हमेशा काम किया है, उसको बढ़ाने के लिए काम किया है, लगातार 5 साल से हम लोग क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अपने जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो समर्थन में मायूसी तो फैली है कहीं ना कहीं कि पार्टी प्रत्याशी नहीं आया, पर आपके माध्यम से मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि पार्टी के फैसले का जब हम सम्मान कर रहे हैं तो वही पार्टी फैसला सम्मान करें और जो पार्टी का आगे दिशा निर्देशन होगा हम लोग फिर उस पर आगे काम करेंगे। पार्टी की तरफ से किसी को समर्थन के लिए कुछ कहा गया आपसे? नहीं, अभी किसी समर्थन के लिए बात नहीं कही गई है और अभी ऐसी तो हम लोग पास सोचना नहीं है कि किसको समर्थन करना है किसको नहीं करना है, बस अभी ये तय है कि अब पार्टी यहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं दे रही है, क्योंकि आज लास्ट दिन है नामांकन का और उसको मेरे ख्याल से यही बात मानी जाएगी। जसवंत नगर से पार्टी ने किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया है जी, इस संदर्भ में क्या आप लोगों में कोई नाराजगी या कुछ ऐसा आपकी पार्टी में देखा जा रहा है? नहीं, नाराजगी मेरे ख्याल से किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में जब हम लोग काम करते हैं, जब किसी पार्टी में काम करते किसी घर में रहते हैं तो घर के बड़ों की बात हम लोगों को मानने का अधिकार होता है और ये हमारा फर्ज भी होता है। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया है कि यहाँ से प्रत्याशी नहीं देंगे, तो कोई किसी में रोष व्याप्त तो नहीं है, पार्टी के लिए लगातार हम लोग काम पहले से करते रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। पार्टी जिसे बताएगी उसे आप लोग वोट देंगे या? हाँ, अभी इस पर कोई पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है, यदि कोई ऐसा फैसला होता है तो उसकी सूचना आप लोग को दी जाएगी और जनता से हम फिर उसी के लिए अपील करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे। अगर पार्टी ने कोई फैसला इसमें नहीं लिया, क्या आप नोटा का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, अभी ये चीज़ इस बात को मेरे ख्याल से कहना इस वक्त बेईमानी होगी, क्योंकि चूंकि आज नामांकन की आज लास्ट डेट है, तो अभी तक तो ये सिर्फ तय हुआ है कि पार्टी यहाँ से प्रत्याशी नहीं देगी, इसके बाद आगे की रणनीति जो भी बनेगी उसके लिए सूचित कर दिया जाएगा, अभी नोटा का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा टिकट वितरण की, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कहना वाली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी दल ने महिलाओं को इतना सम्मान नहीं दिया। प्रियंका जी ने जो कहा था वो उन्होंने पूरा किया, उन्होंने कहा था कि 40% महिलाओं की भूमिका रहेगी टिकटों की हिस्सेदारी में, तो वो उन्होंने वास्तव में करी है और महिला शक्ति जो भी इस प्रदेश की जितनी महिला है वो कहीं ना कहीं इस बात से बहुत खुश है कि जो प्रियंका जी ने कहा है वो उन्होंने अपने वादे करे हैं और ये हम लोग का एक वादा पूरा हुआ है। आगे जब हम लोग की सरकार आएगी तो हम लोग के जो और जो हमने वादे करे हैं, चाहे वो रोजगार को लेके हो, चाहे वो युवाओं की शिक्षा नीति को लेके हो, चाहे वो किसान की खुशहाली के लिए हो, तो हम लोग उस पर काम करेंगे।